भैया जी, जैसे मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर कोई 12 साल या 12 साल से अधिक यदि एडवर्स पोजीशन है उसका, तो उस दशा में क्या वो सिविल सूट दायर करके स्वत्व घोषणा का दावा दायर कर सकता है नहीं कर स्थायी सकता। निषेध? हाँ, नहीं कर सकता। जी एक्चुअली अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, जी कि यदि किसी व्यक्ति का किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगातार 12 साल तक बतौर मालिक कब्जा है, बतौर मालिक उसने कब्जा कर रखा तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर उसको उसकी टाइटल डिक्लेयर की जा सकती है। पहले ये नहीं था। पहले ये था कि एडवर्स पोजीशन पोजीशन को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप टाइटल का डिक्लेरेशन नहीं करा सकते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, एडवर्स पोजीशन के आधार पर और ये टाइटल का डिक्लेरेशन हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये उसमें जोड़ दिया उसमें कि ये सरकारी जमीनों पर लागू नहीं होगा। और वैसे भी आप देखें तो उसके लिए 30 साल है, उसकी मियाद 30 साल है, लेकिन उसमें भी वो बहुत सारे पेंच हैं। और वो 30 साल में भी ये माना जाता है कि नहीं, यदि किसी का 30 साल भी कब्जा है तब भी वो क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार के पास न मालूम कितनी संपत्ति है, न मालूम कितनी जमीन जगह है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जमीन के बारे में वो अपना जानकारी हो, तो वो आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। मैं बिल्कुल उल्टी राय दे रहा हूँ कि वो सरकारी जमीन में यदि किसी का बात। एडवर्स पोजिशन अभी तक ये था कि उसको ढाल के रूप में तो इस्तेमाल ये किया जा सकता है ये, लेकिन इसके आधार पर, एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप कोई टाइटल क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि नहीं, इसके आधार पर टाइटल क्लेम की जा सकती है, लेकिन ये प्राइवेट लैंड पर ही है, सरकारी जमीन पे नहीं है। सरकारी जमीन पर ऐसा है कि 30 साल तक वो हो, लेकिन उसमें भी केस लॉ वगैरह ये आए हैं कि 30 नहीं, कितने साल तक भी हो, क्योंकि आपको एडवर्स बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा यदि आप सिविल कोर्ट में जाएंगे कि आपने सरकार की जानकारी पे कब्जा किया, ये आपको बताना पड़ेगा। यदि आप ये साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये सरकारी जमीन पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जा मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन और बहुत सारे कानून हैं, सरकार ये करती रहती है। ये वो क्या है, समाज के कमजोर वर्गों के हितों के लिए क्या क्या बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं उसमें, जिसका पहले ये था कि 1982 तक कब्जा है उसको पट्टा मिल जाएगा, फिर 85 तक आया, फिर और आगे आया। ये तो रोज कानून बनते रहते हैं। तो यदि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो किसी न किसी माध्यम से उसको मिल ही जाएगा, लेकिन सिविल सूट के माध्यम से नहीं मिलेगा, वो रेवेन्यू कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगा। वही हाँ, सुधीर सर जी पूछ सकते हैं अगर और कुछ क्वेरी रह गया हो तो आप। जी, नहीं, धन्यवाद।